आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और टाइम बज रहे हैं इस समय 12:30 हो रहे हैं, 12:30 भी नहीं, 1 बज रहा है यार। 1 बजे मैंने ब्लॉग शुरू किया इतना लेट। और आज यार ऋषभ भी स्कूल नहीं गए, दोनों घर पे ही हैं। और ये आ गया ऋषभ। क्यों भाई आज स्कूल क्यों नहीं गया? क्यों नहीं आ रहे थे नील? और ठंड भी बहुत लगने लगी। नहीं तो ठंड लगने लगी तो कूलर बंद कर देते। कूलर बंद कर दिया, ये कोई बहाना थोड़ी हुआ भाई। ये तो बात ही नहीं हो गई। और तू क्यों नहीं गई थी भाई? भाई साहब ये लो, दोनों ने छुट्टी कर ली आज। तो सीरियसली बता दूं, आज इन दोनों ने छुट्टी कर ली तो। और भाई साहब हाँ ये देख लो, ये कल रात को इसने बनाई थी, स्कूल लेके जानी थी तो अब ये स्कूल भी लेके नहीं गया, ये ऐसे पड़ी है घर पे। अब ये कल भी नहीं जाएगा, कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी। मैंने बताया था ना ब्लॉग के अंदर, एक दिन स्कूल जाते दो दिन छुट्टी। मेरा बोर्ड देखो, दो दिन छुट्टी करते। इधर आके दिखा, इधर आके, उधर लाइट आ रही पीछे से। हाँ एक कौन लाया, कौन ले क्या है? ड्राई क्लीन करके आई ना? नहीं नहीं ना, नहीं नहीं ना, ड्राई क्लीन करके आई ना तो नहा ले जाके मोटी, ड्राई क्लीन करके बस। मैं तो इतनी गर्मी में कैसे रहती थी ड्राई क्लीन। और रात को इसने पता है क्या किया, इसने रूह अफ़ज़ा की आइसक्रीम बना रखी थी बड़ी जोरदार वाली, आज भी बना रखी है। नहीं मैं अगर सीरियस से बताऊँ, बहुत अच्छी आइसक्रीम लग रही थी कल, टेस्ट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो बेटा ये बात अच्छी नहीं लगी, आज तूने छुट्टी क्यों करी स्कूल की? बताया तो आपको। क्यों तू क्या कर रहा था रात भर? जागरण कर रहा था क्या? कर क्यों नहीं आ रही थी? नहीं तो क्यों नहीं आ रही थी? क्या कर रहा था? मैडम ने, मैडम की याद आ रही थी? नहीं। फ्रेंड की याद आ रही थी? नहीं। तो नहीं। तो मुझे नींद नहीं आ रही ना। कारण क्या था नींद नहीं आने का? पता नहीं। इसको पता नींद ही नहीं आती, तुझे आती नहीं? उधर देखो, उधर देखो। तू तो सोते रहे, तुझे तो 12 बजे अभी थोड़ी देर पहले उठी है, आराम से सोती रहती है, इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको नहीं उठाओगे ना इसको फर्क नहीं पड़ता, ये तो सोती रहती है, इसको नींद नहीं आती और ये सोती रहती है। तू रात को बैठ के क्या कर क्या रहा था? याद कर रहा था किसी को, पढ़ रहा था या फिर क्या कर रहा था? ऐसे ही मतलब नींद नहीं आ रही थी तेरे को? ये कौन सी बात थी? तो आजकल इसने वो चार चीज तो बिल्कुल भूल ही गया है, जब तक याद दिलाओगे ना देखा भग गया ना। तो ये अब आजकल ऐसे ही हो गया। और यार सीरियसली बताओ ना, गर्मी बहुत तेज हो रही है, ये देखो दिख रहा होगा ये हालत, गर्मी की हालत दिख रही होगी, गर्मी बहुत तेज है। और इसने वो चार चीज़ें ना बंद कर दी और देख लो कैसे मस्ती कर रहा है। पसीने नाले, ड्राई क्लीन नाले जाके चुपचाप। तो ये आ गया चार चीज़ें, 1 2 3 4, 1 2 3। अबे ये कौन से स्टाइल से साले ने मेरा मुँह दबा दिया पूरी तरीके से, लगी मेरे मुंह पे जोरदार वाली यहाँ पे नीचे। तो अभी चलते हैं अपन भी आज यार ब्लॉग जल्दी एडिट वेडिट करके फ्री हो जाते हैं, फिर रात को अपलोडिंग करने का टाइम मिलेगा, बस अपलोडिंग कर लेंगे शाम को। और आज बनने वाली है संजनी की फली, वाओ वाओ। तो भाई संजनी की फली बनेगी शाम को, नहीं लेट कर देता, चपेड़े खानी है मेरे से। तो भाई इसकी मस्ती बढ़ती जा रही है, तो अंदर चलते हैं, कूलर वूलर चलाते हैं क्योंकि बाहर तो इतनी बुरी हालत है ना गर्मी की, है देखो हालत। तो थोड़ा सा अंदर चलते हैं, थोड़ा सा एटमोसफेयर ठंडा वंडा होता है और फिर इंजॉय करते हैं। तो भाई आज का जो दिन है, पहले तो ये देखो कि बाहर कितनी तेज गर्मी है। तो भाई ये देखो शाम के 4 बज रहे हैं और रोड की हालत देख लो खाली पड़ी है, जो कि अगर ये सर्दी का समय होता ना तो यहाँ इस रोड के ऊपर इतना ट्रैफिक रहता है जिसकी कोई हद नहीं। बट अभी गर्मियों के अंदर क्या लोग कोई घर के बाहर निकल नहीं रहे। और ये देखो छोटे सेठ जी आके बैठ गए दुकान पर, हैं सेठ जी, हैं छोटे सेठ जी दुकान पे बैठ गए आप आगे, हैं पढ़ाई हो गई आपकी? पढ़ लिया आप? अच्छा आप तो वैसे अभी नई क्लास में, अभी तो पढ़ाई हो नहीं रही है। अब तो कल से मास्क लगा के जाना है स्कूल, अरे हाँ तू तो मास्क लगा के जाता है, आज मैंने तो कल भी देखा था तेरे को ब्लॉग के अंदर कि तू मास्क लगा के जाता है। स्कूल में खोलना पड़ता है, मैं बोलते हो यार कल ये खोलो, आवाज नहीं आती। हाँ वो तो खुलना ही पड़ता है फिर भी। और क्या, और आज सोया नहीं आज तू? नहीं, नहीं, नहीं। सच्ची लग तो नहीं रहा, लग तो रहा है सोया था तू? मैं
तो कल वाले ब्लॉग में तुझे पता तू नंगा दिख रहा है सबको, नंगा क्यों रहा? अभी डालूंगा, अभी डाली नहीं तो ब्लॉग। मैंने कहा एडिट तो कर लिया था बट अपलोड नहीं करा, अपलोडिंग का टाइम होने वाला है तो अपलोड करेंगे उसको। तो हाँ बताओ क्या चीज, क्या बता? अच्छा तो भाई कल वाला ब्लॉग देखना, बड़ा मस्त ब्लॉग है, मजा आएगा। बीच में कुछ एक जगह थोड़ा सा बोरिंग सा है बट इंटरेस्टिंग है कल का ब्लॉग भी। एक तो ये भैया भैया करके ये बोलने नहीं देगा, इधर आके बोल क्या बोल रहा है। किस में ABCD चाहिए करके? ABCD चाहिए। तो मैं अब आपको बता दूँ, वहाँ से मैंने नेट कनेक्ट इसमें कर दिया है तो अब इसको यहाँ इसमें अब सिस्टम से छेड़छाड़ करनी है। और छेड़छाड़ तो क्या करनी है, बस वो चला लेगा और बैठ जाएगा। अभी डोरेमोन चल जाएंगे यहाँ पे, डोरेमोन, नोबिटा, सिंचैन और यही चल सब आते हैं वो। मैं अब बताया ना, मैं जानता हूँ, मैं तुझे जानता नहीं होगा, तू है मेरा, तू मेरा भाई है ना, मैं जानता हूँ ना मैं तुझे, है तो मेरा भाई ना, मेरा भाई है किसी और का भाई है। हाँ तो बस हाँ देख लिया ना मेरे को, मैं इस बंदे को देखा, मैं इस बंदे को जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस बंदे की आदत। अभी गेम दिख जाएंगे तो गेम के पीछे हो जाएगा और सब चीज़ों के पीछे हो जाएगा, तो वही चीज़ है। तो संभालते हैं, ये संभाल से बाहर जा रहा है, थोड़ा सा इसको संभालते हैं और मिलता हूँ मैं आप लोगों को दोबारा इसकी ABCD लगा के। तो भाई जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस ब्लॉग में बोला था कि अब हम निकलना शुरू करेंगे, नाइट राइड हो गई, मॉर्निंग राइड हो गई, ऐसे राइड्स करेंगे। तो आज फिर राइड पे मेरे साथ कौन आया भाई? भाई आया आज, और भाई और मैं दोनों, मतलब शहनी और मैं, हम दो जने ही हैं जो डेली ब्लॉग करते हैं, मतलब डेली नाइट में वॉक शुरू कर दिए। कल हमने नहीं करी थी क्योंकि कल हनी को इमरजेंसी कॉल आ गई थी, तो इमरजेंसी कॉल के चक्कर में नेचर कॉल के लिए भागा था हनी, बोला जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में हम घर चले गए थे। बट आज हम निकले हैं नाइट राइड के लिए। और भाई यहाँ देखो सितारे, ऐसे लग रहा है ज़मीन पर उतर गए हूँ, क्योंकि हम घूम रहे हैं सिविल लाइन्स में जो कि बढ़िया इलाका है। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर शूट करेंगे ब्लॉग। भाई हमने पीछे ब्लॉग इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि हम थे मुख्यमंत्री निवास के आगे, और चल भी हम इस साइड ही रहे जिस तरफ मेन गेट था, तो भाई पुलिस वाला देख रहा था, तो हन्नी और मैंने ब्लॉग बंद कर दिया। मैं फालतू में अभी वो बोलेगा, बोले क्या कर रहे हो, तो भाई अपन इतने बड़े वो भी नहीं है कि ठीक है निकल जाएंगे, तो इसलिए अपन ने ब्लॉग बंद कर दिया था। तो यार अभी क्या है, अभी इस रोड के ऊपर गए सारे जितने भी हैं, सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर हैं। तो पीछे अपने गया मुख्यमंत्री निवास, ये आ गया गवर्नर हाउस, तो ये गवर्नर हाउस का गेट आ गया, आगे वो गवर्नर हाउस का गेट मेन गेट है, और उससे आगे एक और गेट है मेन गेट, तो ये है भैया गवर्नर हाउस, ये रहा। तो भाई इस रोड पे क्या है, सारे मतलब जो जितने भी हैं, मतलब वो सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर हैं और वो है। तो रात को हम वॉक करने निकले थे, तो हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही है। तो आज हमने सोचा, हम क्या हम डेली मतलब मॉर्निंग के अंदर भी अगर हमें निकलने के लिए जगह मिलती है तो हम यही रोड देखते हैं, क्यों सबसे रिलैक्स और सबसे बढ़िया मतलब जगह मानते हैं इसको, क्यों शांति में अगर कहा जाए रिलैक्सफुल जगह तो यही जगह है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना कोई रोक टोक ना कुछ, और मौसम भी देखा जाए तो आज बहुत ज़्यादा ठंड मतलब हवा चल रही है कल से ज़्यादा, मतलब जो अभी जो रात में जो एकदम से मौसम हो गया, क्या बोलेगा मौसम के लिए है, बढ़िया नहीं तो हवा जो चल रही है भाई, अगर ऐसी हवा कंटिन्यूसली चलती रहे तभी मजा है, नहीं अगर बंद हो गई तो हालत ख़राब हो जाएगी है। तो भाई यही चीज़ है कि भैया अगर हवा चलती रहेगी ना तब तो सही है, अगर हवा बंद हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ तो अच्छा रहता है मौसम, तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो अदरवाइज तो आप समझ सकते हो ये रोड रहती है। और वैसे अगर नहीं, वैसे अगर इस रोड की बात की जाए ना तो यहाँ आप बारिश में आओ चाहे कभी आओ, ये रोड तो वैसे ही महकती रहती है ठंडी ठंडी। तो भाई ये है गवर्नर हाउस और ये तोप लग रही है भैया, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो भैया ये है गवर्नर हाउस का मेन गेट। तो अब निकलते हैं अपन यहाँ से बाहर, बाहर की तरफ चलते हैं और अपने घर वाली रोड के ऊपर, मतलब यहाँ से जैसे टर्न करेंगे ना, हम यहाँ से हल्का सा टर्न करेंगे और हमारे घर की वाली, घर वाली जो मेन रोड है वो चल जाएगी। तो भैया हम देख लो CM हाउस और गवर्नर हाउस के कितना पास में रहते हैं भैया, सबसे ज़्यादा नज़दीक में हम दोनों, हम क्यों भाई इस चीज़ का बेनिफिट है ना कि भाई हम लोग सिटी के मतलब इतना क्लोज है कि हमें कहीं पे भी जाना है तो हम जल्दी से पहुंच सकते हैं, तो ये चीज़ का बेनिफिट है। तो अब निकलते हैं और पहुंचते हैं घर पे और आपको दिखाते हैं। आज मैं यार दिखा यार क्यों ना गवर्नर हाउस और CM हाउस दिखा दिया जाए जयपुर का, जो कि हमारे घर के पास में है।
तो अब निकलते, पुलिस वाले खड़े नहीं तो अभी टोक देंगे इस चीज़ के लिए कि ब्लॉग शूट नहीं कर सकते। भाई आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मतलब ज़्यादा लंबा शूट नहीं करते, शॉर्ट शॉर्ट और स्वीट बनाने की कोशिश करते हैं, उसको यहीं एंड करते हैं। क्योंकि पास में चल रहे भजन जो रात भर चलेंगे वो दिख रहा होगा आपको, टेंट लग रखा है तो वहाँ रात भर भजन चलने वाले, बढ़िया भजन होने वाले हैं रात भर। तो भाई आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी दो चार दिन से क्या मैं ड्यूरेशन बहुत लंबी कर रहा हूँ, तो इतनी लंबी ड्यूरेशन मेरे को पता है ज़्यादा पसंद भी नहीं आएगी, छोटे ही ब्लॉग पसंद आते हैं लोगों को, तो छोटे ब्लॉग के लिए अब एंड करते हैं। दिया ऋषभ अंदर मस्ती कर रहे हैं, मतलब ऋषभ तो अपनी पढ़ाई कर रहा है, दिया अपने मस्ती कर रही है, तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल, और कल तक के लिए बाय बाय।